पाकिस्तान में खेतों में आई भारी बाढ़, फसलों की तबाही और पशुधन की मौत ने खास तौर से सर्दियों की आहट के साथ देश की खाद्य सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले से ही बढ़ती खाद्य कीमतों की मार झेल रहे पाकिस्तान में करीब 1,70,000 वर्ग किलोमीटर इलाका कथित रूप से पानी में डूबा हुआ है, जिसमें 57 जिलों में बोई गई फसलों के 78,000 वर्ग किलोमीटर इलाके में बाढ़ का पानी भरा है। ये भी अनुमान लगाया गया है कि देश की खाद्य टोकरी का लगभग 65 हिस्सा, खासकर चावल, कपास, गेहूं और प्याज बाढ़ के पानी में बह गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसी हफ्ते CGTN को दिए एक इंटरव्यू में और गंभीर तस्वीर पेश करते हुए कहा है कि देश की करीब 80-90% फसलें बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सिंध के हिस्सों में मिर्च, गन्ना और खजूर के पेड़ भी प्रभावित हुए हैं। कृषि पर सिंध CM के सलाहकार मंजूर वासन ने डॉन को बताया कि बारिश प्रभावित इलाकों में इस साल खरीफ की फसल के दौरान उत्पादकों को दिए गए कृषि ऋणों को फिर से निर्धारित किया जा सकता है और कर्ज पर ब्याज माफ भी किया जा सकता है। बाढ़ से पहले ही पाकिस्तान यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद बढ़ती खाद्य कीमतों और महंगाई की मार से जूझ रहा था, लेकिन अब संघीय सरकार का अनुमान है कि बाढ़ से हुआ आर्थिक नुकसान कम से कम $10 बिलियन हो सकता है, जो कि देश की GDP का करीब 3% बैठता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपने बेल आउट प्रोग्राम के तहत जो 2019 में शुरू हुआ था, सोमवार को $1.1 बिलियन की राशि जारी किए जाने को मंजूरी दे दी है। देश की खेती को हुए नुकसान का अनुमान करीब $20 बिलियन लगाया जा रहा है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के वाइस प्रेसिडेंट अहमद जवाद ने, जो गेहूं, मक्का, साइट्रस और गन्ना उगाते हैं, ब्लूमबर्ग से कहा कि कृषि क्षेत्र में उथल पुथल मची है। बहुत से प्रमुख क्षेत्रों में कपास और सब्जियों की फसल पूरी तरह से साफ हो गई है। तूफानी मौसम थमने का नाम ही नहीं ले रहा, पहले गर्मी की लहर और अब बाढ़। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मौजूदा सैलाब उस बाढ़ से बड़ा है जो 1973 और 1976 में सिंधु नदी से आई थी। पाकिस्तान संकट अफगानिस्तान को भी प्रभावित कर सकता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों ने चिंता जाहिर की है कि अगर अगले महीने तक खेतों से पानी बाहर नहीं निकाला गया तो वो सर्दियों की गेहूं की फसल नहीं बो पाएंगे। सिंध प्रांत के किसान ने, जिसकी 2500 एकड़ की कपास और गन्ने की फसल बाढ़ में साफ हो गई है, AFP से कहा, हमारे पास एक महीना है, इस अवधि में अगर पानी बाहर नहीं निकाला गया तो कोई गेहूं नहीं होगा। पशुधन के भारी नुकसान के बीच पाकिस्तान के मवेशी और डेयरी किसान संघ के अध्यक्ष ने शनिवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखा, जिसमें चेतावनी दी गई कि चारे और पशुधन की कमी के चलते दूध, मीट और अंडों के दामों में उछाल आ जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बार बार अंतर्राष्ट्रीय मदद के लिए गुहार लगाई है, जिसके जवाब में चीन, सऊदी अरब, कतर और तुर्की जैसे देश आगे आए हैं। भारत के मामले में बृहस्पतिवार को पाकिस्तान के विदेश ऑफिस ने कहा कि नई दिल्ली से सब्जियों के आयात की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इससे 5 दिन पहले पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने खाद्य की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ये विचार पेश किया था। ये भी डर है कि पाकिस्तान के संकट का अफगानिस्तान पर भी असर पड़ सकता है, जो पहले ही पिछले साल से खाद्य संकट से जूझ रहा है, जब तालिबान के सत्ता कब्जाने के बाद देश के नेतृत्व पर आर्थिक पाबंदियां लगा दी गई थी। UN विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा कि अधिकतर खाद्यान्न जो वो अफगानिस्तान को भेजता है, पाकिस्तान से होकर सड़क के रास्ते भेजा जाता है और अफगानिस्तान का ये महत्वपूर्ण आपूर्ति मार्ग बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें।